यहाँ पे जो ये चाडोरा है ये डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में पड़ता है और श्रीनगर से ये 15 किलोमीटर दूर है। और बदकिस्मती की वजह से आज यहाँ पे जो लॉकडाउन हुआ है, कोरोना वायरस हुआ है, कोरोना वायरस की वजह से आज हमारे यहाँ इलाके में जिसको छोटा पंजाब कहा जाता है, मुख्तलिफ सारी मंडियों में, अब बदकिस्मती की वजह से ये आज जो हमारा फसल तैयार हुआ है हम ये मंडियों तक नहीं लेके जा रहे, हम ये जम्मू नहीं पहुंच पा रही हमारी ये सब्ज़ी। अब हम लेके भी जाते हैं मंडी में तो रास्ते में बड़ी दुश्वारी आती है, अब हम श्रीनगर जाते हैं तो रास्ते में दुश्वारी आती है। यहाँ पर फूल गोभी, बंद गोभी, गाजर, आलू, प्याज, बहुत सारी वेराइटी यहाँ पर हमारे इस इलाके में सब्ज़ी निकलती है। ये डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में माना जाना हुआ इलाका है जिसको छोटा पंजाब कहा जाता है। तो लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉब्लम्स हमारी इस गांव में आ रही है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमारे इस इलाके को, जो कि खासकर सब्जियां जो हम पैदावार यहां पे प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, तो बहुत सारी वैरायटियां हमारी गांव से निकल रही है, चाहे वो गाजर हो, फूलगोभी हो, कैबेज हो, लहसुन हो, पालक हो, मूली हो, तो इतनी सारी सब्जियां जो हमारे गांव से है तो प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन इस साल जो लॉकडाउन की वजह से है हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहां पे हो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है। चाहे हमें ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें गाड़ियाँ नहीं मिल रही है, तो जिसकी वजह से हम अपने इस प्रोडक्ट को बाहर तक पहुँचा सके, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें ट्रांसपोर्ट के हवाले से है। तो दूसरी प्रॉब्लम जो हमें हो रही है इस टाइम कि हमारे पास वगैरह पासेस नहीं हैं, तो पासेस हमें नहीं मिल रहे हैं, तो इसके इस बिना पे जो हमारे जो यहाँ से ऑटो वाले सब्जी लेके जा रहे हैं तो बीच में उनको रोका जा रहा है, तो जिसकी वजह से ये सब्जियाँ बाद में ख़राब होती है। आज हमारा ये फसल तैयार हो गया, अब हमें ये काटना है, किसी नदी में फेंकना है, ये हमारा कचरा बन गया यहाँ पे, क्योंकि वक्त पे ये हमें ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, वक्त पे हमारे मजदूर यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। अब दूसरा फसल हमें लगाना है, हम क्या करेंगे? किसी के पास एक कनाल है, किसी के पास दो कनाल है, कोई इसी पे गुजारा करता था, किसी का ये रिजिक है ये, लेकिन आज क्या करें, कोरोना वायरस की वजह से आज हमारा ये सारा ये भी पड़ा हुआ है। यहाँ तो सब्जी बहुत अपनी आती है, कश्मीरी सब्जी है, ये तो बाहर जाती थी, अब लॉकडाउन है, तकरीबन 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, तो इस वजह से यहाँ से सब्जी बाहर जाती नहीं है, करगिल जाती थी, जम्मू जाती थी, अब यहाँ रुकी है सब, ये सड़ी हुई सब्जी है, बिल्कुल सस्ती है, ज़मींदार बेचारे को कुछ आता ही नहीं है, मरने पर पहुँचे हैं ज़मींदार बेचारा, जब उसको अपना पैसा भी नहीं आया, मजदूरी का पैसा भी नहीं आया, तो बहुत मुश्किल है इस वक्त आवाम में। मेरा ये चीज़ की नुकसान हुआ बहुत, हमारा लॉस हो गया जो ये लॉकडाउन की वजह से, बहुत ही ज़्यादा हमारा जितने भी फल और फ्रूट या सब्जी थी हमारी के सारा का सारा नुकसान हो गया, लॉस में चल रहा है अभी, कम से कम 6-7 लाख रुपया तो मेरा भी नुकसान हो गया लॉकडाउन की वजह से, पहले स्टार्टिंग में ही अंगूर में, क्योंकि मेरे पास 3 गाड़ियाँ अंगूर थी उस टाइम, तो लॉस हो गया, व्यापारी का लॉस समझो, अपना ही लॉस होता है। और उसके बाद हमने कुछ प्याज मंगवाए उसमें भी लॉस हो गया, तो बेसिकली ये लॉस में ही चलती है मंडी, अभी भी लॉस में ही चल रही है।